लखनऊ में आतंकी संगठन अलकायदा का नेटवर्क उजागर होने के बाद झांसी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर मंगलवार शाम डीआईजी जोगेंद्र कुमार सिंह और सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ होटल, रेलवे स्टेशन, बाजार और बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाया। झांसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और भीड़ भाड़ में अराजक तत्व की गतिविधि और संदिग्ध लोगों की निगरानी के लिए अभियान चलाया। कई थाना की पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी चेकिंग अभियान के दौरान मौजूद रही। वहीं इस दौरान सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दो दिन से पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट और उच्च अधिकारियों के आदेश पर जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां होटल और ढाबे को चेक किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहां ना रुक पाए। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति रुका हुआ है तो होटल वाले की जिम्मेदारी है कि वो थाने को बताएं। अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये पूरे प्रदेश में आपको पता है पिछले दो दिन से हाई अलर्ट है और माननीय उच्च अधिकारियों के निर्देश से झांसी में माननीय पुलिस उपमहानिरीक्षक और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से पूरे जनपद में आज चेकिंग अभियान चलाया गया है, जहां ढाबा, होटल जो भी शहर में हैं या जो बाहर हैं, सभी होटलों में चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यहां ना रुकने पाए। संदिग्ध व्यक्ति अगर रुका हुआ है तो होटल वाले की जिम्मेदारी है कि वो तत्काल थाने पर सूचना दें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे रुके हुए हैं। इस पर हम लोगों ने आज पूरा अभियान चला करके सारे होटलों को चेक कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जो भी बड़े संस्थान प्रतिष्ठान हैं हमारे, वहाँ हम लोग चेक करेंगे। जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिलेगा, संदिग्ध वाहन से टहलता हुआ मिलेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झांसी से माय भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट।